नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आज के टॉप हेडलाइंस है। रूसी राष्ट्रपति बोले, अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है यूक्रेन का, नोटो में शामिल होना दुनिया के लिए खतरा। यहां 600 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद, आसपास रहने वाले 6000 लोगों को निकाला गया। सैन्य तख्तापलट को एक साल पूरा, लेकिन लोगों में अब भी गुस्सा बरकरार, लोकतंत्र के लिए उठा रही आवाज। बीते दिन 27.27 लाख नए संक्रमित मिले, 10,541 की मौत। WHO ने कहा कि 10 हफ्ते में 9 करोड़ लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हुए। तालिबान में शोए में जी रहे न्यूजीलैंड की प्रेग्नेंट महिला, जर्नलिस्ट मार्च में देश लौटें, हेल्थ मिनिस्टर पर केस दायर करी। आंध्र प्रदेश गुटरूंग में तिरंगे से सज गया जिन्ना टावर, जल्द ही फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। पीएम मोदी आज भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाएंगे बजट के तमाम फायदे, 11 बजे करेंगे संबोधन। टेगामस विवाद पर हंगामे के आसार, लोकसभा में आज सबसे पहले बोलेंगे राहुल गांधी, बाहर मोर्चा संभालेगा यूथ कांग्रेस। कम हुई टोका टोकी, जय श्री राम और हर हर महादेव के लगे नारे। बजट भाषण के दौरान संसद में क्या क्या हुआ। बजट 2022 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, आंतरिक सुरक्षा का बजट भी 11% बढ़ा। आम बजट में बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी, पटना सहित इन जिलों का होगा सुनियोजित विकास, बेहतर होंगी ये सेवाएं। बिहार वेदर में बिहार वासियों को 2 दिन राहत, फिर पश्चिमी हवा से बारिश के आसार, अलग अलग हिस्सों में रहेगा घना कोहरा। NHAI ने बिहार के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। अब भागलपुर रेलखंड पर भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पूर्व रेलवे जोन को मिलेगी 25 ट्रेनें, जाने इसकी खासी। पटना गया डोभी NH4 लेन के बजाय 6 लेन बनेगा, हाईकोर्ट ने कहा NHAI 3 सप्ताह में जवाब दे। बजट को सत्ता पक्ष से बताया विकास परक, विपक्ष ने कहा निराशाजनक। पहली पाली में 59 और दूसरी पाली में 293 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे सुनील, छाया रहा घना कोहरा। 9 बजे दृश्यता रही 30-40 मीटर, 3 से 5 फरवरी तक जिले में भारी बारिश की संभावना बनी। सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा के आयोजन की नहीं मिलेगी अनुमति। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। नमस्कार।